So, as a Muslim, no, mero ideal. Personal, mero ekdam favorite hero. So, aaj se chhod. मारा मतलब तालु सालो पूरा डर गया है अनवर सनवर कालो हो गया लव लड़की लोग कितना साल से करना चाहिए और शादी कितना साल से करना चाहिए आप लोग खोला को देख सकते हो मतलब यहाँ पर यत्रोत्र माता लोग आता है लेकिन ए लिटिल नॉट वेरी मच यार तो क्यों इंग्लिश नहीं आता है आपको पता है मैं मैट्रिक में मतलब 10 क्लास में 3 बार फेल हुआ था यार Hello guys, welcome back. It's me Jiten and you guys are watching your own YouTube channel guys. Right? Very interesting. So interesting. Very 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 interesting guys. है ना? क्या तबाले था सब guys? Blog को सही बनाऊंने? हम्म? आज बोलिए अब बनाऊं ना YouTuber आरु. प्राइस वाबो जब भी ठुल ठुला YouTuber आरु सा नहीं ना. वहाँ रजे एकदमे रमणीय ठाउं वर मग गए रहे ना. दामी दामी हमें लाई blog बनाए देखा हूँ उनसे ना. सीन आरु यहाँ ची इस्तो चा बने रहे ना. So, देखो नुन्छा, जुन की अब हिंदी, इंग्लिश है ना, या अरु लेंग्वेज, इंग्लिश हरमा, पर तुप्रे लेंग्वेज हरमा ची, अराउंड द वर्ल्ड जाना अब जुन जुन कंट्री का मन्छेहरु छन् उहाँहरुले आफ्नो लेंग्वेज मा ब्लगहरु बनाउने गर्दछन् तर गाइस मैले एउटा यस्तो इन्ट्रेस्टिङ भिडियो फेला पारेको छु हैन जसमा चाहिँ यो अब हिन्दी पनि हैन इंग्लिश पनि हैन हैन नेपाली पनि हो कि हैन आई डोन्ट नो आई एम कन्फ्युज्ड हैन कि अब यो के हो हिन्दी हो इंग्लिश हो नेपाली हो हैन जहाँ कि हरेक ल्याङ्ग्वेज बोलिएको छ र त्यो जुन ब्लग जुन छ नि गाइस यति इन्ट्रेस्टिङ बनाइदिएको छ जुन कुराले हैन सो तपाई यो चाहिँ हेरिकन हैन एकदमै अब खुसी हाँसोले लोटपोट हुनुहुन्छ होला पक्कै पनि किन त अब इन्ट्रेस्टिङ कुरा देखाउनको लागि ढिलो गरौँ त हैन सो गाइस लेट्स स्टार्ट द रिएक्सन भिडियो सो गाइस आज धेरै दिनपछि मैले रिएक्सन भिडियो लिएर आएको छु हैन सो यो भिडियो हेरौँ र हेरौँ है त गाइस आखिर कस्तो खालको रिएक्सन निस्किँदो रहेछ हाम्रो वहाँ हैन त सो यो तपाईँहरूको लागि पनि एउटा रिएक्सनको एउटा भनौँ न कस्तो खालको रिएक्सन तपाईँहरू पनि दिनुहुन्छ र मेरो रिएक्सन कस्तो आयो त यो भिडियोमा सो लेट्स वाच आउट तो आप लोग खोला को देख सकते हो मतलब यहाँ पर यत्रोत्र माता लोग भी आते होंगे शायद क्योंकि यहाँ गाइस तपाईले सुन्नु भयो यत्रो यत्रो माछा लोग आते होंगे माछा इज अ लोग नो माछा त एउटा अब जन्तु हो नि त हैन लोग आते होंगे भनेपछि मेबी अब अलिक पछि चाहिँ उहाँले आफ्नो यो कुराहरूलाई करेक्सन गर्नुहुन्छ होला हैन खोला ठुलो खालको हैन यसै घरमै बैठने से बहुत रिस उठता है लेकिन ऐसा खुला जग्गामा हामीले घुम्ते हैन मतलब खुसी लाग्छ यार चिसो हावा लाग्छ जिउमै अनि मतलब कस्तो मतलब विरक्त लाग्छ यार लेर खुसी लाग्छ भन्दा भन्दै कस्तो विरक्त लाग्छ चाहिँ किन भन् अनि अर्को कुरा तपाईले नोटिस गर्नुभयो कि भएन यो मतलब हाउ मेनी टाइम उहाँले चाहिँ मतलब जोड्नु भएको होला सायद आई थिंक मलाई चाहिँ त्यो बोल्दा बोल्दै चाहिँ कुरालाई कनेक्ट गर्नको लागि चाहिँ उहाँले मतलब भन्नुभएको होला आई थिंक हैन सो हिज अ वेरी क्लेभर आप लोगों ने पहली बार एउटा जंगल देखा होगा शायद फर्स्ट भिडियो में आया था जंगल ब्लग बोलके लेकिन आज मतलब सिनेरी खतरनाक होने वाला है आप लोग इस वीडियो को पूरा पसंद करेंगे मन पराओगे बोल के मुझे पूरा आशा है आज हम लोग फिर से खोला में आए हैं आप देख सकते हो वो अंतिम जगह दिख रहा है ना तेस्मा हम जाएंगे और आपको सुंदर इधर एक नजारा दलंग है उसको आपको दिखाएंगे तो आप लोग ठीक ठाक ही होंगे जिंदगी में यार बहुत कष्ट करना पड़ता है हम लोग को पूरा अभी गर्म लग रहा है लेकिन क्या करे यार आप लोगों को जी उहाँले आफ्नो भिडियोमा चाहिँ अट्र्याक्सन दिलाउनको लागि सायद भन्नुभएको हो कि जस्तो लाग्छ मलाई हाम्रो कपुरा अभी गरम लाग रहा है लेकिन क्या करे यार आप लोगों को ऐसा मतलब राम्रो राम्रो जग्गा दिखाने के लिए हमारा मतलब तालु सालु पुरा डर गया है अनुहार सनुहार कालो हो गया है तालु सालु पुरा डर गया है पूछे मेरा दिल से कैसा या जहर पे आ मरना किसे कहते हम तो लास्टमा त थत् रे ब्रोलाई आफैले गाएको गीत आफैलाई मन नपरेको है क्या बिचरा गायो गायो लास्टमा त थत् रे दुसरा जैसा ऐसा कुद कुद के भिडियो भी बनाना नै सक्ता यार बो त अल्छी लाग्ता है यार हमको कुद कुद के भिडियो बनाने त्यही भएर हामी त उभी उभी बनाता है लेख्थ्यो हाम्रो फाइनली इधर मतलब त्यो दलङमा पुग्ने वाला सान सुन्ने रहता है तो मैं मुझे ना मतलब इंग्लिश बोलना नहीं आता है नहीं तो मैं भी इंग्लिश में भी ब्लॉग बना नो प्रॉब्लम ब्रो इंग्लिश बोलना आउँदैन भन्दैमा चाहिँ कुनै पनि ठुलो प्रॉब्लम हैन गाइस हैन त्यो त एउटा ल्याङ्ग्वेज हो नि हैन आता अच्छा रहता था लेकिन अलि अति आता है लेकिन ए लिटिल नॉट वेरी मच यार
तो क्यों इंग्लिश नहीं आता है आपको पता है मैं मैट्रिक में मतलब 10 क्लास में 3 बार फेल हुआ था यार सब्जेक्ट भी कस्तो देता है यार मैट्रिक भनेपछि 10 क्लास भनेपछि ओ आई थिंक ब्रो चाहिँ इन्डिया तिरै हुनुहुन्छ है क्या हो हैन सो मैट्रिक भनेर भन्नु भयो मैट्रिक भनेपछि चाहिँ इन्डियामा चाहिँ मैट्रिक भन्छ हाम्रो नेपालमा चाहिँ एसएलसी भन्छ अब अहिले त एससीसी एसईई भयो हैन यार सब्जेक्ट भी कस्तो देता है यार आसामिस पार्ट बोलता है वहां पर यार कवि का नाम बताओ कवि कब जन्म हुआ था कब मरा था यार हमारा तो पता नहीं यार हम कब जन्मा था और आई साइंस के बात मुझे साइंस में पूरा गुस्सा आता है क्यों कब मतलब ऐसा फाइटिंग हुआ था प्रथम युद्ध विश्व युद्ध मतलब फर्स्ट फाइटिंग कब हुआ था सेकंड फाइटिंग रिपीट करूं है तो गाइस एक छिन ब्रो ले हल्का ब्रो ले नबुझेको कि मैले नबुझेको साइंस भनेर फेरि हिस्ट्री को कुरा ल्याए जस्तो लाग्यो ब्रो ले हम कब जन्मा था और आई साइंस के बात मुझे साइंस में पूरा गुस्सा आता है क्यों कब मतलब ऐसा फाइटिंग हुआ था प्रथम युद्ध विश्व युद्ध मतलब फर्स्ट फाइटिंग कब हुआ था सेकंड फाइटिंग सेकंड मतलब यो कुरा त इतिहासमा पो पढाउने हैन र साइन्समा हैन होला आई थिंक सो गाइस प्लीज तपाईहरु कमेन्ट गर्नु होला है यो साइन्सको कुरा गर्नु भएको हो कि अब हिस्ट्रीको आई थिंक हिस्ट्रीमा यस्तो कुराहरु गरिन्छ राइट सेकंड मतलब दूसरा फाइटिंग कहाँ हुआ था त्यस्तो खालको मतलब क्वेशन होता है थत त्यसको चेन्ज करके ब्रु भन्दा यस्तो खालको बना देता है मतलब लव लड़की लो कितना साल से करना चाहिए और शादी कितना साल से करना चाहिए आप लोग ब्रो हैन कुराले घुमाएर कहाँ लग देको त देख सकते हो इधर पूरा जंगल घारी लोग मात्र है अनि एउटा गाछ कति ठूलो है तब ऐसे होता है लेकिन चामरे चियो बोलता है अनि कस्तो मतलब पकाएर मिठो आलू सँग मिसाके खाता है तो आप लोग मतलब देख सकते हो हमारा पिछाड़ी मतलब कांस कांस का कपल पूरा फूल के सेट मेरा ना यार पिछाड़ी कांस का कपल देख सकते हो घास घास आई मीन ग्रास घास को चाहिँ कपल फुलेर सेतो भइसक्यो रे ब्रोले इन्ट्रेस्टिङ कुरा चाहिँ एकदमै धेरै गरेको छ नि क्या बोलता है जो घर का माथि छाना में लगाते हैं घर का टिन में तो इसको काटने का सीजन ठीक को हो गया क्योंकि ये पूरा फूल के से तो हो गया अभी खाली देख सकते हो कति मतलब सुंदर दिख रहा है एकदम राम्रो मतलब नजारा खतरनाक दिख रहा है ऐसे घर में बैठने से बहुत रिस उठता है लेकिन ऐसा खुला जगह में हम लोग घूमते है ना मतलब खुशी लगता है यार चीसो हवा लगता है जीव में अनि मतलब कस्तो मतलब विरक्त लगता है यार आप लोग नजारा देख सकते हो ये मेरा फ्रेंड ढाड़े एक देख सकते हो आप लोग मतलब कस्तो गाड़ी गाड़ी में हम लोग घूम रहे हैं मतलब गाड़ी का ओ गॉड गाइस है ना एकदमै इन्ट्रेस्टिङ पर्सन हुनुहुन्छ वहाँ हैन जसरी यो ब्लग बनाउनु भयो नि पक्कै पनि यस्तै खालको इन्ट्रेस्टिङ कुराहरु चाहिँ ब्लगमा आखिर हाल्नु पर्ने हो हैन तर वहाँको जुन भ्यू चाहिँ एकदमै राम्रो थियो बाइ द वे हैन वहाँ त्यो खोला जुन देखाउनु भयो पहाड हिमालको जुन हिम पहाडको जस्तो एउटा सिनेर देखाउनु भएको थियो हैन भ्यू चाहिँ एकदमै राम्रो थियो बट वहाँको जुन त्यो कुराहरुलाई पोर्ट्रेट गर्ने जुन तरिका छ नि जुन चाहिँ उहाँले देखाउने जुन बोल्ने शैली छ नि विच इज भेरी गुड मलाई एकदमै मन पर्यो होइन सो यो मैले टिकटकमा भेटेको थिएँ बाइ द वे होइन सो यसो हेर्दा चाहिँ मलाई मन परेर चाहिँ किन वाइ नट होइन मेरो हाम्रो अब साथीहरूसँग सब्सक्राइबरहरूसँग पनि प्लिज अब लङ टाइम भयो रिएक्सन भिडियो नबनाएको भनेर चाहिँ तपाईँहरूसँग आज मैले यो सेयर गरेको हो होइन गाइज सो आखिर तपाईँलाई यो भिडियोमा इन्ट्रेस्टिङ कुरा आखिर के लाग्यो त प्लिज गाइज कमेन्ट गर्न नबुल्नुहोला भन्दै आजको लागि गाइज यति नै नेक्स्ट भिडियोमा फेरि पनि डेफिनेटली भेट्ने वाचा गर्दै गाइज जय देश जय नेपाल टेक केयर एन्ड गुड बाई प्लिज मेरो इन्स्टाग्राममा पनि मलाई फलो गरिदिनु होला जसको लिङ्क मैले मेरो डिस्क्रिप्सनमा दिएको छु